उठ गई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज है वीरवार और आज है मेरे ससुर जी का श्राद्ध, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। थोड़ा काम हो चुका है, थोड़ा काम होना बाकी है। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो की स्टार्टिंग, और जब खाना बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी मैंने खाने में क्या क्या बनाया है। और अभी सब लोग आएंगे, जैसे मेरा देवर आएगा, मेरी जेठानी आएंगी, तो फिर उन सबसे मिलवाऊंगी मैं आपको। अभी सोना सोई हुई है, इसकी क्लास आज मैं मुश्किल ही ले पाऊंगी क्योंकि मुझे खाना बनाना है। और नैना की भी क्लास है आज, तो वो भी इसकी क्लास ले नहीं पाएगी, तो इसकी क्लास आज कैंसिल है एक तरीके से ना। देखूंगी, कैमरा ऑन करके रख दूंगी, पता लगेगा हाँ मैडम ये करा रही हैं। और मैम से बोल दूंगी कि नहीं ले रही हो क्लास ना, क्योंकि उसके पास बैठना पड़ेगा। नहीं बैठूंगी तो भागेगी इधर से उधर। देखती हूँ, कैमरा ऑफ करके देखूंगी या तो कैसे करती हूँ। चलो ठीक है, अभी मैं बनाती हूँ खाना। थोड़ा सा मैंने बोला ना बाकी भी खाना बनाना, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ना मैं ऐसे बीच बीच में ना घर के काम भी कर रही थी, जैसे झाड़ू पोछा करना था मुझे, क्योंकि बिना सफाई के तो फिर होता नहीं ना, पूजा नहीं हो सकती। तो जिस दिन पूजा होती है उस दिन तो मुझे जल्दी ही करना पड़ता है झाड़ू पोछा ना। वैसे तो मोस्टली मैं देर से ही करती हूँ, जब सारा काम खत्म हो जाता है हमारा, खाने पीने का सब कर, ऑफिस चले जाते हैं तभी लगाती हूँ झाड़ू पोछा ना, इनके जाने के बाद ही। तो लेकिन आज पूजा है तो आज तो जल्दी करना पड़ेगा, तो मैं बस वही कर रही थी। तो मैंने कुकर ना एक ही निकाल रखा है, और मुझे आज दो तीन चीज़ें उबालनी थी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं सोच रही थी कि दूसरा कुकर निकाल लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो ना, क्यों निकालना, फिर रखने की दिक्कत आएगी उसको, इसलिए क्योंकि किचन छोटी सी है, फिर ना बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं ना, तो बहुत अलझट सी लगती है फिर संभालने में ना बर्तनों को। तो मैंने कहा कोई नहीं, उबालनी तो है चीज़ें, तो मैं क्या करके उबालती रहती हूँ। तो जैसे मैंने पहले आलू उबाले, फिर छोले उबाले, फिर चने उबाले, तो इस तरीके से मैं उबाल रही थी चीज़ों को। और फिर मैं बीच में से काम भी कर रही थी, झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया, ये सब कमरा समेट दिया, ये सारे काम कर रही थी बीच बीच में। और तभी अचानक से क्या हुआ, मैं पीछे की तरफ ही थी, मतलब पोछा छाल रही थी पोछा ना, तो ऊपर से ना जो हमारी टंकी है ना उसका ढक्कन गिरा बहुत तेज की। तो मुझे लगा कि ना क्या गिरा है, क्योंकि ना क्या होता है हमारी तरफ ना, कितने लोग ना ऊपर से कूड़ा फेंक देते हैं, जैसे कूड़े वाला आता है ना तो उसको नहीं देंगे कूड़ा ना, ऐसे ऊपर से ना पन्नी में पैक करेंगे, धपाक धपाक फेंकते रहेंगे। तो मैंने सोचा कि पता नहीं कौन है जो ऐसे गिरा रहा है। इधर मैंने झाँक के देखा तो वो तो उसका ढक्कन था टंकी का। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया, क्योंकि हमारी ही टंकी रखी हुई है वहाँ इस तरफ ना, और जिनकी है उनका ढक्कन अगर बंदर गिराएंगे या हवा से भी गिरेगा, कैसे भी होगा, तो वो हमारे घर के बिल्कुल पीछे नहीं गिरेगा, वो उनकी तरफ ही गिरेगा। तो मैंने इनको फ़ोन करा, मैंने बोला कि देखो जरा शायद ना ऊपर बंदर आ गए हैं और उन्होंने टंकी का ढक्कन उतार के फेंक दिया है। तो फिर उन्होंने मेरे देवर को उठाया, उससे बोला कि जाके देख कर क्या, शायद ना बंदरों ने ढक्कन फेंक दिया टंकी का। फिर वो नीचे उतर के आया, उसने देखा पीछे आकर के, आप यकीन नहीं मानेंगे 5 मिनट के अंदर ही ना ढक्कन ऐसे गायब हो गया जैसे कि कोई खड़ा ही था उसको लेने के लिए। मतलब वो नीचे मैंने बस जैसे मैंने देखा, मैंने इन्हें फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद इन्होंने इसको उठाया, क्योंकि वो ऊपर वाले फ्लोर पर थे दोनों के दोनों भाई। तो अब वो नीचे उतर के आया इतनी ही देर में, मतलब 5 से 7 मिनट लगा लो मुश्किल से, इतनी देर लगी होगी, और इतनी ही देर में कोई ढक्कन उठा के ऐसा भागा, मुझे पता ही नहीं चला। और मुझसे बोल रही तुझे वहीं पे खड़ा हो जाना था। तो मैंने कहा मुझे क्या पता थी कि ऐसा हो जाएगा कि कोई ढक्कन उठा के भाग जाएगा, ऐसे हो जैसे बोल दे ना किसी को तू ऊपर से कोई चीज़ फेंक और वो तुरंत गायब कर दे इस तरीके से। और अब तो उस पर रख रखा है हम लोगों ने तसला ना, तो अभी ढक्कन लेकर के आएंगे, ढक्कन लगाएंगे उसके ऊपर। और ये मेरे जेठ का लड़का है जो अभी आया है, तो अभी बाकी सब आएंगे, और मैं बस अभी खाना बना रही थी। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो। और यहाँ पर ना सन्नी से ना नैना बात कर रही थी, तो सन्नी से पूछ रहा था उसको कि क्या हुआ, आज तेरा स्कूल नहीं है क्या, स्कूल का काम नहीं है क्या, ऐसे पूछ रहा था। और मैं इसलिए बता रही आप लोगों को ना, क्योंकि मैं पोछा लगा रही थी ना तो दोनों के दोनों पंखे चला रखे थे, तो इतना शोर और था, वो क्या कह रहे थे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर आके नैना ने दरवाज़ा बंद करा और बोली कि ना इस ये तभी ऐसे करता है जब कोई घर में आता है ना, तो उसकी बात पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। तो ये ना उसको बोल रहा था बार बार हप्पू हप्पू करके, तो हप्पू ना कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। नहीं तो क्या होता है जैसे उसका नाम लो ना तुरंत से कहता है कि हाँ भाई। तो फिर नैना ने बोला मेरा कुत्ता भूखा, तो देखो जैसे जैसे नैना ने ऐसे बोला ना तो उसने पूछ लानी स्टार्ट करी। फिर सन्नी ने भी उसको ऐसे ही बोला अच्छा हप्पू भूखा, तो फिर हैप्पी ने हाँ भी मैं भूखा हूँ मुझे क्योंकि अभी घूम करके आया है ना ये, तो उसको आदत है घूम के आकर तो तुरंत उसको खाना चाहिए होता है, तो बस इसीलिए ये ऐसे पूछ ही ला रहा कि हाँ हाँ मैं तो भूखा हूँ मुझे खाना दे दो खाने के लिए। और कहने की दीदी तो आई नहीं थी, दीदी की तबीयत ख़राब हो रखी थी तो दीदी नहीं आई थी, तो बस खाली मेरी देवरानी ही आई थी खाने के लिए, और मेरे देवर तो उसके बच्चे थे। बेटा क्या कर रहे हैं आप? तो बस यही लोग आए थे, बाकी जिन्हें आना था वो नहीं आए, मतलब 3-4 जने नहीं आए। फिर मैंने खाना पैक करके दे दिया था कि चलो कोई नहीं, नहीं आ पाए तो मजबूरी होती है ना इंसान की, क्योंकि बच्चों का ना ऑफिस भी होता है ना, फिर
दिक्कत हो जाती है बच्चों को आने में ना, तो इसलिए। तो जी चलिए, अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे ना, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नया है ना वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल का जो आइकॉन है ना उसको ज़रूर क्लिक करें, ताकि आप लोगों के पास ना मेरे नए नए ब्लॉग की नोटिफिकेशन टाइम से पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो। तो देखो जी, मैंने खाना बनाया है, आपको दिखाती हूँ मैंने खाने क्या क्या बनाया है। ये रायता, खीर, इसमें वो हैं छोले हैं, और इसके अंदर ये काले चने, कचौड़ी बनाऊंगी, पूरियां बनाऊंगी, और बनाऊंगी साथ में ये है हलवा। तो बस सोना कोई क्लास में ली है मैंने, क्या करें अभी ये उठे नहीं है ना, उठ तो गए, नहाए नहीं है अभी, देर में देर कर आते हैं। मैं सोच रही थी 10 बजे तक ना सारा काम कर लूंगी, पर हो नहीं पाया। नहा लो जी, टॉवल बाहर ही होगा। ओ यार ये तो गर्म हो गई। तो जी बस अभी तो हो रहा है दोपहर का समय ना, और पूजा भी हो चुकी थी, और क्योंकि मेरा देवर थोड़ा देर से आया था, तो फिर उसके बाद मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया ना, पूजा का भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि मैं किचन में लगी हुई थी, क्योंकि मैंने थाली वाली सब लगा के दी इनको, तो उन्होंने पूजा करी थी, और मैं किचन में थी खाना बना रही थी, क्योंकि सब लोग खाने के लिए बैठे हुए थे, इसलिए क्योंकि देर ज़्यादा हो गई थी ना, 10 से ऊपर का टाइम हो गया था, 10 से भी ऊपर क्या, 10:30 के 10:30-11 का टाइम हो गया था पूजा करते करते ही। और एक जो मेरा देवर गाँव से आ रखा था, उसका ड्यूटी भी जाना था, तो बस इसलिए फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया तो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो जी अब वो रखा है शाम का समय, और तब से मैंने अब कुछ रिकॉर्ड किया है सुबह के बाद ना, ये सारा काम हम करा, उसके बाद सारा खाना जो बचा था सब खाली करे बर्तन, क्योंकि सारे बड़े बड़े बर्तन थे, उन्हें खाली करके रखा, और बस फिर इतना लगा थकान इतनी हो रही बहुत ज़्यादा। नैना बोलती रही मम्मी खरगोश के बच्चों को दूध पिलवा दो, मैंने कहा मैं नहीं पिलवा रही, मैं तो सो रही हूँ अभी ना, तो खुद पिलवा ले, तो उसने पिलवाया होगा दूध ना। और अभी सोना ही बोल रही हूँ मम्मी मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, क्योंकि मेरे देवर की लड़की आ रखी थी ना, तो दोनों खेलती रहती हैं साथ में, तो ऊपर नीचे जीने चढ़ के कह रही पैर दबाओ मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, तो ये तो अभी सोई हुई है, मैंने कहा चल सो जा, क्योंकि सुबह इसकी क्लास थी ना, तो जल्दी उठ गई थी ये भी, इसलिए। तो अभी बनाएंगे, शाम की चाय बनाऊँगी अब, और पूजा करूँगी, और फिर रात खाने की तैयारी करूँगी। पूछती हूँ उनसे क्या कह रहे थे बनाने के लिए ना, मैं तो आलू बैंगन बोल रही थी कि आलू बैंगन बना लेती हूँ, कहेंगे तो आलू बैंगन ही बना दूँगी रोटी के साथ ना, नहीं तो फिर दाल चावल बनाऊँगी, देखती हूँ क्या बनाऊँगी। पहले तो हाथ में धो के पूजा करते हैं, चाय का पानी रखते हैं गैस पर, सोना सो रखी है तो सोने देते हैं, बच्चा थक जाता है ना, सोएगा तो ज़्यादा अच्छा है, मैंने चिड़चिड़ी सी रहेगी, चींची करती रहेगी ना। चलो जी किचन में चलते हैं। देखो मैं आपको, हैप्पी भी सोया हुआ है, सोना भी सोई हुई है, ये देखिए ये हैप्पी सो रखा है। हाँ अच्छा, उठ के दिखा रहा है हैप्पी कि मैं सोया नहीं हूँ, तुझे बदनाम करते हैं हम है ना, कि तू सो रखा है भाई, क्या कर रहा है, पैर चाट रहा है हैप्पी, ओ हैप्पी अप्पू, कैसा होता है ना, अपने पालतू जानवर को तुम छेड़ सकते हो, बाहर के कुत्ते को ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और इधर सोना सोई हुई है, और ऊपर उसकी अम्मा सोई हुई है, अब देखो बच्चों ने कैसे खाना खाया ना, सुबह का खाना है ये, अब मैं ऊपर गई तो भाग के लेकर के आई हूँ, इस तरीके से खा रखा है, बचा रखा है ये सब कुछ ना,
हैप्पी को दूंगी खाने के लिए, रायता नहीं खीर दे दूंगी उसे खाने के लिए। और जी देखो सब मैं करके गई थी, अभी नैना ने खाया होगा ना खाना, उसने बाद में खाया है। और चावल गर्म कर रहे इसमें, चावल तो बच रहे होंगे और और आज सुबह से मैंने चाय नहीं बनाई बिल्कुल भी। अब बनाऊंगी चाय, मॉर्निंग की चाय इसलिए नहीं बनाई क्योंकि पूजा नहीं करी तब तक ना हम लोगों ने, तो नहीं बनाई। फिर जब मैंने खाना दिया तो मैंने कहा पहले खाना खा लो फिर चाय बनाऊंगी, लेकिन खाना जैसे हम लोगों ने खाना खाया उसके बाद ही मेरे देवर आ गया, फिर मैंने उसके लिए खाना बनाया, तो ऐसे करते करते 2:30 बज गए। फिर मैंने कहा अब नहीं बना दी चाय, अब मैं शाम को बनाऊंगी। ये तो कह रहे थे अरे आज तो चाय नहीं मिली पीने के लिए, मैंने कहा हाँ हाँ मैं बातें बनाऊंगी। फिर ये भी ऑफिस चले गए, इन्होंने दोबारा कहा भी नहीं, वरना फिर मैं बनाने की सोचती बीच में चलो बना देती हूँ, लेकिन ये है ना कि जब इन्होंने कहा ही नहीं तो फिर मैंने टाल दी बात, मैंने कहा चलो शाम को बनाएंगे चाय ना, जब तक मेरी चाय उबलेगी तब तक मैं पूजा करके आ जाऊंगी, एक साथ दो काम हो जाएंगे, फिर करेंगे रात खाने की तैयारी। पूजा करके आती हूँ, तो जी पूजा करके आ गई मैं, चाय बनने में थोड़ी सी देर है बस, फिर बैठ के चाय पियेंगे। मैं किसी को डरा के नहीं रखती हूँ, जब इंसान गलती करता है तो उसे पता होती है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, समझ गई। मैंने क्या बोला अभी तक, मैंने कुछ बोला अभी तक, कुछ भी नहीं बोला ना, सिर्फ चाय लेना नहीं मैंने पहले बनाई है, एक कप में वो है जो तुम लोगों का झूठा बच्चा था हलवा चने, तेरे चने बुलबुल के हलवा चने दोनों, तेरे चाय गरम है एकदम, इतनी गरम नहीं पी पाएगी तू, हटो हैप्पी हैप्पी सुनता नहीं तुम्हें, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तुम्हें 2-4 घंटे पे मेरे पैर दबाए थे बाद में, दाल चावल नहीं बनाऊंगी मैं तो, पापा को बता देती हूँ सुबह तो ना मैं थोड़ी सी खीर बनाऊंगी, मैं कुछ घर की मैंने बोला से पूछा दीदी से, मैंने बोला कि ना अरे दीदी मैंने फोन करा कि आप आए नहीं, तो मेरे तबियत ठीक है, मैंने कहा हाथ पर भी सोच करके, मैंने कहा अच्छा है, मैंने कहा दीदी वो सन्नी ना खीर लेके नहीं आया, सन्नी बोल रहा था कि नहीं, पहले तो पूजा ने मना कर दिया, कह रही खीर तो खाते नहीं दीदी वो लोग, मैंने कहा सनी से पूछ ले बार पैक करे ना, कह उसने पूछा सनी ने मना कर दी, तो कह रही वो खुद नहीं खाता, उसने हमारे लिए तो नहीं लेके आया खीर, कह रही वैशाली से खान डाल के लेके आई ना, तो वैशाली कह रही खीर तो आई नहीं, मैंने कहा उसने मना कर दी थी दीदी, मैं कहा मैं तो सारी खीर बनाई थी तीन प्रभु की खीर बना रखी थी, इसलिए मैं कहा मैं कल बुला रखा था दोबारा से ना, मैंने कल दूंगी से पैक कर खीर, हटो हैप्पी चाय पी ले दो, हमें झूठी बोलो तो तीन प्रभु की खीर, मैंने कुछ झूठी बोल पता थी सन्नी को शायद लगाओगी चाची इसलिए पूछ रही खीर नहीं होगी, शायद ये सोचा मेरे को तो पूजा ने बोला, मैंने तो पैक करती पूजा बोली कि दीदी खीर तो खाते नहीं बोलोगे, बोलते कि उनकी खीर, तो मैं कहा हाँ कोई चीज़ है बच्चे बोलते कि चाची हम इतनी अच्छी नहीं लगते,
से मैं तोरी बना दूं आज, है ना, और अगले हफ्ते बनाऊंगा क्या, मैं रोज रोज तोरी बना देती हूँ, है ना। नहीं ऐसे मेरे से पनीर भी नहीं से खाया जाता, हर हफ्ते कौन खाए पनीर। मैं बनाऊंगी दाल मखनी, देख दे रहा इसको हलवा चाहिए खाने के लिए, हफ्ते पूरी खा लेना जो रखी तेरी पूरी। क्या खाना है बेटा, कल वो है श्राद्ध है कल भी, समझ गए। नहीं तो कल तो खाली रोटी और खीर बनेगी ना, तो तुम लोगों के लिए बना दूंगी ना, मैं गिरेगी क्या।